Namaskar students, myself Dr. Nisha Jain. Presentation in mammals part 1 आज हम start करने जा रहे हैं. BSc part 1 zoology का paper 3 gamete and developmental biology परिवर्धन जैविकी का ये next chapter है. Presentation in mammals. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके कंटेंट्स को एक बार डिस्कस करेंगे कि हमें इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है आपके सिलेबस के हिसाब से. आपके सिलेबस के हिसाब से प्लेसेंटेशन इन मैमल्स के अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना है व्हाट इज प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ओरिजिन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ इंटीमेसी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ इम्प्लांटेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाय, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ फीटल एंड मेटर्नल टिश्यूज. ये वो सारे टाइप्स हैं जिनके हमें प्लेसेंटा के अंदर पढ़ने हैं और इनका क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से हुआ है, मोड ऑफ ओरिजिन, डिग्री ऑफ इंटीमेसी, टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन एटसेट्रा. इसके बाद इसी चैप्टर में आखिरी टॉपिक जो आपका हमें पढ़ना है वो है फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के कार्य. नाउ व्हाट इज प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है. ओनली केवल यूथेरियन मैमल्स पोजेसिव प्लेसेंटा, केवल यूथेरियन मैमल्स के अंदर ये प्लेसेंटा होता है. हमारे अंदर ह्यूमन प्लेसेंटा जो होता है वो डिस्कॉइडल, हीमोकोरियल एंड डेसीडुएट होता है. ये मैं आपको आगे बताऊंगी व्हाट इज डिस्कॉइड, व्हाट इज हीमोकोरियल एंड व्हाट इज डेसीडुएट. एंड द प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द यूटेराइन वॉल एंड एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड फीटस थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड. प्लेसेंटा माँ और डेवलपिंग फीटस के बीच में एक कनेक्शन मेंटेन करता है अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा. प्लेसेंटा एक ऑर्गन है जो डेवलप होता है यूट्रस के अंदर का प्रेगनेंसी में. प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस के अंदर एक ऑर्गन डेवलप होता है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं. दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग बेबी एंड रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड. ये जो स्ट्रक्चर है ये डेवलपिंग बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड करता ही है, लेकिन साथ में ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी बेबी के ब्लड से बाहर निकालता है. The placenta attaches to the wall of uterus and baby's umbilical cord arises from it. Placenta जो होता है वो water uterus की wall पे attach होता है और and baby की umbilical cord वहाँ से निकली होती है. मैंने आपको बता दिया है classification of placenta 5 प्रकार का होता है. सबसे पहला जो है that is classification based on the mode of origin. अगर हम इसकी बात करें तो प्लेसेंटा दो प्रकार का होता है, कोरियो वाइटलाइन प्लेसेंटा जिसको कि हम योक सैक प्लेसेंटा भी कहते हैं, और दूसरा होता है कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा. किस तरह से ये डेवलप होता है, अगर प्लेसेंटा कोरियो वाइटलाइन प्लेसेंटा है या फिर योक सैक से डेवलप हुआ है तो उसको हम बोलेंगे योक सैक प्लेसेंटा, और अगर वो कोरियो एलेंटॉइक से डेवलप हुआ है तो हम उसको बोलेंगे कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा. ये आप देखिए योक सैक प्लेसेंटा एंड कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा, ये मेटाथीरिया में पाया जाता है और ये यूथीरिया एनिमल्स के अंदर पाया जाता है. यू कैन सी दिस इज योक सैक प्लेसेंटा, दिस इज अ बिग योक एंड दिस इज योक सैक, इसमें बहुत स्मॉल है, और इसमें एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा है यहाँ पर की ये है. दूसरा जो बेसिस है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ इंटीमेसी, अगर हम इसकी बात करें तो हमें तीन प्रकार के प्लेसेंटा मिलते हैं. डिग्री ऑफ इंटीमेसी मदर के टिश्यूज में और बेबी के टिश्यू में कितनी क्लोजनेस है. पहला नॉन डेसीडियस प्लेसेंटा जिसको हम सेमी प्लेसेंटा भी कहते हैं, दूसरा डेसीडुअस प्लेसेंटा जिसको हम प्लेसेंटा वेरा भी कहते हैं, दिस इज ट्रू प्लेसेंटा, तीसरा कॉन्ट्राडेसिडुएट प्लेसेंटा, दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा. नाउ व्हाट इज नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा, इन नॉन डेसिडुअस प्लेसेंटा द इम्प्लांटेशन इज सुपरफिशियल, इसके अंदर जो इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का वो बहुत ऊपरी ऊपरी होता है. द ब्लास्टोसिस्ट सरफेस गिव्स आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड कोरियोनिक विलाय,
that penetrate into the depression of the uterine wall and are closely united. जो developing embryo है जो कि blastocyst stage के अंदर है, इसके अंदर से finger like projections बाहर आते हैं जो कि uterine की chorionic यूटराइन की वॉल के अंदर घुस जाते हैं, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उनको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाय. तो ये कोरियोनिक विलाय पेनेट्रेट करती हैं यूटराइन वॉल के अंदर. एट द टाइम ऑफ बर्थ व्हेन पार्चुरेशन टेक्स प्लेस, जब बच्चे का जन्म होता है तो कोरियोनिक विलाय आर सिंपली विदड्रॉन फ्रॉम द कैविटीज ऑफ द यूटराइन वॉल विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज और ब्लीडिंग. जिस वक्त बच्चे का जन्म होता है, पार्चुरेशन जिसको हम बोलते हैं, जो कोरियोनिक विलाय एम्ब्रियो से निकली हुई है और यूटराइन में घुसी हुई है वो धीरे से बाहर आ जाती है. यूटराइन वॉल में कोई डैमेज नहीं होता है और न कोई ब्लीडिंग होती है. एंड दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटा फॉर्मेशन इज सीन, ये टाइप, ये जो होता है ये पिग, कैटल और हॉर्स के अंदर इस टाइप का प्लेसेंटा देखने को मिलता है. दूसरा जो है वो है डेसिड्यूस प्लेसेंटा इन कैट, डॉग, प्राइमेट्स, रोडेंट्स एटसेट्रा. द डिग्री ऑफ इंटीमेसी बिटवीन द कोरियोनिक विलाय एंड द एंडोमेट्रियम इज ग्रेटली इंक्रीज्ड. अब यहाँ पे जो जो डिग्री ऑफ इंटीमेसी है, जो मिलान है किसका, एम्ब्रियो का और यूट्रस का, वो बढ़ जाता है. द यूटराइन गेट इरोडेड. अब यहाँ पर क्या होता है, जो एम्ब्रियो की कोरियोनिक विलाय होती है वो एकदम यूट्रस के अंदर घुस जाती है और यूटराइन वॉल म्यूकोसा के को छील के उसके अंदर घुसी होती हैं. सच अ प्लेसेंटा इज टर्म्ड एज ट्रू प्लेसेंटा एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन. अब इस टाइप के प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन यूटराइन वॉल डज नॉट रिमेन इंटैक्ट. वो यूटराइन वॉल पूरी नहीं रह पाती, वो जब एकदम कोरियोनिक विलाय बाहर आती है तो यूटराइन को भी तोड़ती हुई, डैमेज करती हुई, फाड़ती हुई बाहर आती है. उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है. तीसरा जो प्लेसेंटा है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा डेसिड्यूएट प्लेसेंटा. सम वॉट मॉडिफाइड टाइप ऑफ डेसिड्यूट प्लेसेंटा इज सीन इन पैरामील्स एंड तालपा मोल. ये मोल और तालपा में देखने को मिलता है, जहां पर कि लॉस ऑफ बोथ मेटर्नल टिश्यू एज वेल एज फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा. यहाँ पर तो केवल यूटराइन वॉल का ही डैमेज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे फीटल के का भी डैमेज होता है, मेटर्नल टिश्यू का भी डैमेज होता है. सच अ प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रा डेसिड्यूट प्लेसेंटा. तीसरा जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन, अगर हम इम्प्लांटेशन के बेसिस पे प्लेसेंटा को देखें तो ये तीन प्रकार का होता है, सुपरफिशियल, इसेंट्रिक एंड इंटरस्टिशियल. सुपरफिशियल कार्निवोर, डॉग और मंकी में देखा जाता है, एसेंट्रिक स्क्विरल और रैट में देखा जाता है, और इंटरस्टिशियल हेजहॉग, एप, ह्यूमन, बैट और गिनी पिग में देखा जाता है. ये तीनों प्लेसेंटा आपको दिख रहे हैं, सुपरफिशियल, इसेंट्रिक एंड इंटरस्टिशियल. मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी. ये आपको दिख रहा है, ये आप देखिए सुपरफिशियल, दोनों जो ऊपर की और नीचे की मेम्ब्रेन है ये एज सच है, केवल बीच में ये रखा हुआ है एम्ब्रियो. यहाँ पे देखिए आप इस वॉल, ये जो ऊपर वाली वॉल है इस का भी ये भी थिक हो गई है, और ये जो एम्ब्रियो है वो डीप अंदर, ये देखो इतना डीप है लेकिन इसके अंदर ही इतना डीप हो गया, और यहाँ पे तीसरे के अंदर इंटरस्टिशियल में ऊपर और नीचे दोनों के अंदर ये घुस गया है. Now, what is superficial implantation? The chorionic sac of the embryo grows and makes superficial attachment with the uterine mucosa. The embryo remains within the lumen of the uterus. Embryo केवल uterus के lumen में रहता है, ना ऊपर ना नीचे. It is seen in cases of implantation in lower vertebrates में दिखा जाता है, जैसे कि Dasyurus among the marsupials and Eutherian, जैसे कि pig, cow, rabbit और sheep और dog के अंदर. दूसरा इसेंट्रिक जो है ये माउस, रैट, स्क्विरल के अंदर देखा जाता है, जहां पर कि ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इट लाई बिटवीन द यूटराइन एपिथेलियल फोल्ड, ये पॉकेट के अंदर रहती है. एपिथेलियल फोल्ड एट द लेटर स्टेज एनक्लोजेस द ब्लास्टोसिस्ट, पूरा एक फोल्ड सा बन जाता है इस केस के अंदर. और इंटरस्टिशियल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो बरो इनटू द यूटराइन मुकोसा बिलो द एपिथेलियल बिकम सराउंडेड कंप्लीटली बाय द एंडोमेट्रियल टिश्यू ऑफ द यूटरस, पूरा अंदर घुस जाता है जैसा मैंने आपको दिखाया था यूटरस के अंदर. और ये जो होता है ये हेजहॉग, गिनी पिग, बैट, सिंपांजी, मैन आदि में दिखाई देता है. तो ये मैंने आज
जो है वो प्लेसेंटा के तीन प्रकार आपके सामने डिस्कस किए हैं, क्लासिफिकेशन तीन प्रकार के क्लासिफिकेशन डिस्कस किए हैं। हमारे को पांच तरह के क्लासिफिकेशन इसके अंदर पढ़ने हैं, रिमेनिंग टू क्लासिफिकेशन मैं आगे कंटिन्यू करूंगी विथ पार्ट टू। सो मैं इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूंगी, अभी मैं यहीं इसको रोक रही हूँ। थैंक यू वेरी मच।